क्वेश्चन नंबर कौन सा? फोर। योर क्वेश्चन नंबर इज फोर। एक्सरसाइज है मैथमेटिक्स 2.5 है, इसका क्वेश्चन नंबर आपका फोर। कह रहा कि एक्सपोनेंट ऑफ इज फॉलोइंग आप यूजिंग रेसिप्रोकल आइडेंटिफिकेशन। तो एक्स प्लस टू वाई एंड फोर जेड ऑफ होल स्क्वायर इज द सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ऑफ द होल स्क्वायर। इसी के बेस पे सॉल्व करना है। तो जनरली देखिए आइडेंटिटीज आपके यही कहता है कि भाई जो भी है ए प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला होता है आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या तो उसी में एक पार्ट और बढ़ दे बढ़ा देते हैं, समाप्त कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जो हम लोग ए प्लस बी पढ़ रहे थे अब उसी में ए प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स एक और दो था, अब दो का तीन आ जाएगा। तो जब तीन डिजिट आ जाए या तीन डिजिट हो जाए, थ्री न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाए, वेरिएबल हो जाए, तो ऐसे कैसे सॉल्व करते हैं? इसका फॉर्मूला होता था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी एंड प्लस टू सी। देखिए यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर यहाँ पर टू ए बी टू बी सी और टू सी, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। तो कंपेयर कीजिए व्हाट इज द ए वैल्यू, ए की वैल्यू आपका कितना है एक्स, बी की वैल्यू क्या आपका टू वाई एंड सी की वैल्यू क्या आपका फोर जेड। यही लाते हैं इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए एक्स प्लस टू वाई और सी है फोर जेड और होल स्क्वायर, ए की वैल्यू कितना आपका एक्स हो गया, एक्स कैसे स्क्वायर कर दीजिए प्लस वाई यानी बी की वैल्यू क्या आपका टू वाई और होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी, सी के लिए यहाँ पर फोर जेड है, ए स्क्वायर कर दीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फिर क्या पर टू ए बी, तो बीस का मीन होता है मल्टीप्लाई, बीस का मीन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो टू व्हाट इज ए, ए को कितना था एक्स है, बी को क्या था टू वाई है, ठीक है थोड़ा इधर है प्लस टू बी को क्या था ए है टू वाई और सी को क्या था फोर जेड प्लस लगाया टू व्हाट इज द सी वैल्यू, सी वैल्यू ए आपका फोर जेड और ए को क्या आपका एक्स है। यहाँ से देखते सिंपल ये यहाँ पर कुछ वन है बारह पर मल्टीप्लाई है यानी बारह में वन है तो वन में जब कोई यानी एक्स स्क्वायर डायरेक्ट एक्स और एक्स कैन टू एक्स स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्वायर जाएगा यानी टू का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर दैट मीन्स टू स्क्वायर, टू स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस फोर हो जाएगा इंटू ऑफ टू एंड वाई वाई स्क्वायर या ऐसा जनरली इसको समझ लीजिए टू वाई इंटू टू वाई तो टू टू जा फोर वाई 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 स्क्वायर की पावर को ऐड कर लेते हैं ऐसे था ना पूरा इसको इस तरह लिखते फोर वाई स्क्वायर। अब ये देखिए फोर जेड है इसी तरह यहाँ फोर जेड को तोड़ लीजिए फोर जेड है तो फोर जेड इंटू फोर जेड, ठीक है तो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे तो फोर पचास सिक्सटीन एंड जेड जेड मिलते जेड स्क्वायर तो सिक्सटीन जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वन है तो टू वन जा टू और टू टू जा फोर तो प्लस फोर एक्स वाई ये हो गया प्लस लगा दीजिए यहाँ पे टू टू जा फोर और फोर टू जा टू टू जा फोर और फोर फोर जा सिक्सटीन एंड फिर वाई और जेड है वाई जेड लिख दीजिए सिंपल सा लिख दिया फोर टू जा एट एट वन जा एट तो प्लस एट एंड फिर जेड बस ये इसके इक्वल टू ये आपका आंसर हो गया। आप कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में देखने के ये मिलेगा कि जैसे ये प्लस में ना ये प्लस में तो सब प्लस हुआ है इसमें ये माइनस हो जाएगा चाहे ये माइनस हो जाएगा चाहे ये माइनस हो जाएगा चाहे तीनों माइनस हो जाएगा तो इन तीनों में से कोई भी माइनस हो जाए तो वहाँ पे प्लस लिख के ब्रैकेट में माइनस लिख दीजिए। ऐसे यदि मैं यहाँ पे कहूँ इसी से अब यहाँ क्वेश्चन अदर के लिए जैसे यहाँ पे मैं ए प्लस माइनस बी प्लस सी ऐसे लिखूँ तो देखिए प्लस माइनस में क्या जाएगा माइनस होगा ना प्लस माइनस में माइनस यानी ए माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर इसको ऐसे सिंपल थोड़ी ए स्क्वायर
स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या था प्लस टू ए को लूप क्या था ए है बी को लूप क्या था माइनस बी है देखिए यहाँ कैसे बी को लूप माइनस है आप प्लस टू बी को लूप क्या है देखिए बी को लूप माइनस वन माइनस हो गया सी सी को लूप क्या था यहाँ पर सी रहेगा ठीक है फिर प्लस लगाया सी टू सी को लूप क्या था सी को लूप सी रहेगा और एक ये रहेगा डेट मीन्स क्या आया ध्यान दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगा माइनस होगा माइनस टू ए बी ठीक है फिर आप देखें माइनस टू बी सी और प्लस टू सी यानी यहाँ पे आपका माइनस है इसमें है इस वाले माइनस है यहाँ माइनस है ठीक है तो टू ए बी में डायरेक्ट यहाँ पे माइनस हो जाएगा टू ए बी में माइनस टू बी सी में माइनस यहाँ हो जाएगा और सी हो जाएगा ये वाला आपका माइनस है बी वाला माइनस है तो शुरुआत का दोनों माइनस का अंतिम वाला प्लस हो जाएगा ठीक है इसी इसमें आपका ये वाला यानी यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यदि यहाँ माइनस में करता हूँ ये प्लस है ये प्लस है और ये माइनस है यहाँ पे प्लस टू ए बी हो जाएगा फिर माइनस टू बी सी हो जाएगा और माइनस यहाँ पे टू सी हो जाएगा तब ये वाला पॉजिटिव बाकी ये दोनों क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव आ ये दोनों आपका नेगेटिव हो जाएगा इसके लिए जब यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी तो बहुत दीजिए बस आप एक ही फॉर्मूला याद रखिए माइनस माइनस जानने के लिए बस आप ब्रैकेट में करके लिख दीजिएगा जैसे ब्रैकेट में कर इंटीग्रल से कोई माइनस था ब्रैकेट में ऐसे करके माइनस लिख दिया आगे प्लस लगा दीजिए सिंपल सा सॉल्व कर देंगे तो बस एक ही फॉर्मूला नहीं तो आप चैन फैन फॉर्मूला भी बोल देंगे सो गॉड ब्लेस यू लाइक सब्सक्राइब करें शेयर करते रहिए और बहुत अच्छे सब्सक्राइब करते रहिए थैंक यू नोट कर लीजिए।